Good morning all of you. So today we are going to do April 22 paper CM2A. Okay. So एक एक करके हमने सारे papers किए and most probably today I'll be doing the rest 3 papers. So आइए start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टोकास्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल से है, तो ये हमारे सिलेबस पे नहीं है, हट चुका है. ठीक है. आई वांट टू स्टार्ट विद अ गुड क्वेश्चन. सो वही मैं देख रहा हूं. अगेन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है. Let's start with question number 7. Good question. ठीक है. So question number 7 से हम लोग चालू करते हैं. An investor makes decisions based on the utility function UW. So UW is equal to W minus 6 W square, where W is the investor's wealth in millions of dollars. Demonstrate that the investor has both increasing absolute and relative risk aversion. तो ये बहुत simple है. इसके लिए हम लोग को AW, RW and then A-W, R-W निकालना पड़ेगा, right? So let's proceed with this. तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा U-W. So U-W मेरा आ जाएगा 1 minus 12 W. फिर हम लोग निकालेंगे u डबल डैश डब्ल्यू. सो u डबल डैश डब्ल्यू विल बी माइनस 12. देन वी विल कैलकुलेट ए डब्ल्यू. सो ए डब्ल्यू जो मेरा आएगा वो आएगा 12 बाय 1 माइनस 12 डब्ल्यू. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए डैश डब्ल्यू. So A dash W will be 144 by 1 minus 12 W का square. So this is greater than 0, मतलब increasing ARA. Similarly हमारा जो RW आएगा, RW आएगा 12 W by 1 minus 12 W. And finally हम लोग का जो R dash W आएगा तो ये आएगा 12 बाय 1 माइनस 12 डब्लू ना 12 बाय 1 माइनस 12 डब्लू प्लस 144 डब्लू बाय 144 डब्लू बाय 1 माइनस 12 डब्ल्यू का स्क्वायर. सो अगेन दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. सो ये बहुत सिंपल था. ये हम लोग को पता है कि इंक्रीजिंग ARA एंड इंक्रीजिंग RRA कैसे प्रूव करना है. हम लोग निकालेंगे AW, देन A डैश डब्ल्यू. A डैश डब्ल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, R डैश डब्ल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर इट्स इंक्रीजिंग, राइट? सो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं. इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन. माने क्या बढ़ रहा है? रिस्क एवर्जन बढ़ रहा है. रिस्क एवर्जन बढ़ने का मतलब क्या है? आपका जब वेल्थ बढ़ेगा, आपका जब वेल्थ बढ़ेगा, वेल्थ आपका जब 100 से 200 हो जाएगा तो पहले जहां 50 लगाते थे रिस्की में, अब आप 30 लगाओगे. एब्सोल्यूट अमाउंट गिर जाएगा. एब्सोल्यूट अमाउंट अगर गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज भी गिरेगा. सर यहां पर तो गिर रहा है बट यहां तो बढ़ रहा है. बेटा एवर्जन बढ़ रहा है, रिस्क एवर्जन बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है? रिस्क एवर्जन यहां पर बढ़ रहा है, राइट? सो रिस्क एवर्जन बढ़ने का मतलब क्या है, हम लोग रिस्की में कम लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे दूर हटो रिस्क, और हम लोग क्या बोलेंगे, सेफ एसेट आजा आजा, ठीक है ना। तो वो चीज है यहां पर। फिर बोलते हैं द इन्वेस्टर हैज 50,000 टू इन्वेस्ट ओवर अ 1 ईयर पीरियड एंड हैज नो अदर वेल्थ, दे हैव 3 ऑप्शंस, इन्वेस्ट इन अ रिस्क फ्री अकाउंट, देयर विल बी नो चार्ज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर 1 ईयर, इन्वेस्ट इन एन एसेट दैट विल गिव अ 60% रिटर्न ओवर 1 ईयर, 20% रिटर्न विद प्रोबेबिलिटी एंड -40% रिटर्न, invest in an asset that will give a 30% return and a 20% return. The investor makes no allowance for discounting when making investment decisions. Must invest the whole 50,000. Determine which option the investor should choose to maximize their expected utility at the end of the year. Comment on why the investor could not use UW to choose from the above options if their initial wealth was 65,000. ठीक है। So सबसे पहले एक एक करके सारे ऑप्शंस का हम लोग को बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लोग आएगा ऑप्शन ए पे, ठीक है। सो ऑप्शन ए पे हम लोग आएगा। सो ए में क्या बोला है, नो चेंज, ठीक है। सो देखो यहां पर डब्ल्यू बोल दिया है, इज द इन्वेस्टर्स वेल्थ इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से अगर हम लोग 50,000 का करेंगे तो 50,000 मेरा क्या बन जाएगा, 0.05 मिलियन, ठीक है। सो ए के लिए अगर अपने निकालेंगे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यूडब्ल्यू मेरा क्या आएगा, 0.05 माइनस 6 इंटू 0.05। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, 60% रिटर्न, मतलब 0.05 इंटू 1.6, फिर बोलता है 20% इंटू 1.2, फिर बोलता है -40 मतलब इंटू 0.6। तो ये तीनों अपने को निकालना है, राइट। सो इसमें अपने क्या बोल सकते हैं, जो अपना ऑप्शन बी है, अपना जो ऑप्शन बी है, सो इसमें क्या आ जाएगा, 20% इंटू 0.08 माइनस 6 इंटू, अपने को क्या बोला है, W माइनस 6, W माइनस 6 W स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, W माइनस 6 W स्क्वायर है ना, तो इस केस में हम लोग यहां पर गलत किए, हम लोग को यहां पर ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। एक बार रुकना, आई जस्ट मैच दी वैल्यूज, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। तुम लोग कैलकुलेट करो इतना देरी कितना आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 0.05 माइनस 6 इंटू 0.05 का स्क्वायर। सो ये हम लोग का कितना आ रहा है, 0.035 आ रहा है। फिर 0.08 माइनस 6 इंटू 0.08 का स्क्वायर, एक्चुअली एग्जामिनर्स रिपोर्ट में थोड़ा सा उल्टा फुल्टा दिया हुआ है, तो 0.08 माइनस 6 इंटू 0.08 का स्क्वायर इन 20% तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आएगा अपना प्लस, प्लस में क्या आएगा, 20% के बाद में कितना था, 70%, तो 70% इंटू 0.06 -6 इंटू 0.06 का स्क्वायर, फिर प्लस 10%, ठीक है, 0.03 -6 इंटू 0.03 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा ऑप्शन बी का। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी जो है, सी का उन्होंने बोला है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है, सी में दो ऑप्शंस है, 30% और 20%, राइट। सो 0.05 इंटू 1.3 इंटू 1.2, तो इसके हिसाब से अपन निकालेंगे। तो इसके हिसाब से जब अपन निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 0.065 -6 इंटू 0.065 का स्क्वायर, ये पूरा चीज इंटू 50%, फिर प्लस में आ रहा है 0.06 -6 इंटू 0.06 का स्क्वायर, दिस होल थिंग इंटू 50%, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा सी का आ रहा है, फिर बी का, फिर ए का। फिर हम लोग को बोल रहा है कि 65,000 होगा तो क्या होगा। Utility functions need to represent the key properties of investors, non-satiation and risk aversion. So basically, U dash W should be greater than 0 and U double dash W should be less than 0. So basically, हम लोग क्या करेंगे? U dash W will be greater than 0. So it is 1 minus 12W ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, W विल बी लेस देन 1/12, ठीक है, W विल बी लेस देन 1/12 एंड 1/12 का मतलब क्या होता है, 10,000,000 /12। तो ये मेरा आता है $83,333, ठीक है। इफ द इन्वेस्टर हैज एन इनिशियल वेल्थ ऑफ $65,000, ठीक है, अगर मान लेते हैं $65,000 है, सो बेसिकली 83,3 कब अचीव होगा, 83,333 होल डिवाइड बाय, मैंने कितना परसेंटेज ग्रोथ होने से 83 ये वाला अचीव हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली, इससे हम लोग को -1 भी करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली 28.2%। बोथ ऑप्शंस बी एंड सी ऑफर अ पोटेंशियल रिटर्न इन एक्सेस ऑफ 28.2%. And therefore, the given utility function is not adequate to assess the investor's expected utility. इसका मतलब क्या बोल रहा है? बोलने का मतलब यह है कि B और C जो options है, उसमें तो आपका 28.2% से ज्यादा का भी scope है ना, 30%। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर 30% का, जैसे यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जैसे आपका 60% का भी है, तो ये सब तो incorporate हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो इसीलिए 65,000 का वेल्थ के लिए ये वाला यूटिलिटी फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये वाला मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा। कंसिडर अ कंपनी फंडेड एंटायरली बाय डेट एंड इक्विटी, द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट्स इज $40 मिलियन, ठीक है। सो कंपनी का जो एसेट है वो कितने का है, $40 मिलियन। इट हैज डेट विद अ करेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ $20 मिलियन। सो हम लोग के पास में जो डेट है, सो डेट इज बेसिकली $20 मिलियन विद अ कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, मतलब जो डेल्टा आपने को दे दिया है, ऑफ 8% पर एनम एंड मैच्योरिटी इन 7 years. जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 7 years का है. इंटरेस्ट इज एडेड टू द आउटस्टैंडिंग डेट टू बी पेड एट मैच्योरिटी. द वोलैटिलिटी ऑफ द कंपनीज टोटल एसेट्स, सो सिग्मा इज 10% पर एनम. द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट, सो एक तो हम लोग को दे दिया है डेट का, ये जो डेल्टा है ये डेट का है, और एक डेल्टा आरएफ भी दिया हुआ है. सो रिस्क फ्री रेट देखो, इट हैज अ डेट विद अ करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 20 मिलियन, ठीक है, और डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है. रिस्क फ्री रेट है मेरा 2% का. कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द डेट विथ इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, ठीक है. कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी यूजिंग मर्टन मॉडल. कैलकुलेट द इंप्लाइड प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल हैव सफिशिएंट एसेट्स टू रीपे द डेट. बेसिकली द कॉल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट दैट द इंप्लाइड वैल्यू ऑफ द कंपनीज डेट is 29.7 million to the nearest 0.1 million. Explain why your answers to parts 1 and 4 are different. ठीक है, okay, it's a very good question. So this is a question on Merton model. So outstanding value of the debt with interest. Outstanding value of the debt. Outstanding value of the debt. क्या बोल रहे हैं हम लोग को? Just hold on. Outstanding value of the debt. आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द डेट विथ इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, ये अपने को निकालने बोल रहा है. ट्राई करिए कैसे निकाल सकते हैं इसको, ट्राई करिए. तो उसका पहला पार्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द डेट विथ इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, ठीक है. सो करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा कितना था, करंट आउटस्टैंडिंग है मेरा 20, और डेट का जो टाइम पीरियड कितना दिया है अपने को, टाइम पीरियड अपने को दे दिया 7 years. सो बेसिकली 8% का इंटरेस्ट रेट है 7 साल के लिए, तो ये कितना आता है 35.013, ठीक है. वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी, सो मर्टन मॉडल की तरह हम लोग करेंगे. अब जैसे देखो इक्विटी के लिए अपने को सब कुछ दे दिया है, फॉर्म वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और डेट का दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है. तो आइए सो कॉल ऑप्शन की तरह करेंगे. सो D1 कैसे निकालेंगे, LN 40, बेसिकली ये मेरा हो जाएगा K, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, ये मेरा के स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और जो शेयर प्राइस होता है वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, शेयर प्राइस मेरा ये हो जाएगा. सो LN 40 बाय 35.013, ठीक है ना, प्लस 0.02 प्लस RF प्लस हाफ इंटू 10% का स्क्वायर प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर होल इंटू ईयर्स होल डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज 10% रूट टी. सो यहां पर क्या आ जाएगा, 10% रूट 7, ठीक है. फिर हम लोग निकालेंगे D2. D2 कैसे निकालेंगे, D1 माइनस सिग्मा रूट टी, ठीक है. तो उसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे 5D1, फिर हम लोग निकालेंगे 5D2, ठीक है. और कॉल ऑप्शन कैसे निकालते हैं, विच इज S 5D1 माइनस ke⁻⁻ RT 5D2, ठीक है. इंप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली रिपेइंग द डेट, इसका मतलब क्या है, जो मेरा फॉर्म वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन लोन का जो नॉमिनल अमाउंट है, लोन का जो नॉमिनल अमाउंट है, और ये होता है 5D2. फाई डी वन तो मेरा डेल्टा होता है और फाई डी टू होता है दैट द कॉल ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड. करेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डेट, तो बेसिकली मेरा जो इक्विटी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10.28. सो आउट ऑफ 40 इफ 10.28 इज माई इक्विटी वैल्यू, द मर्टन मॉडल स्टेट्स दैट द करेंट टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट वैल्यू. सो अगर हम लोग 40 से माइनस कर देंगे 10.28 को तो मेरा आ जाएगा 29.72. सो बेसिकली राउंडेड to the nearest 0.1 million, debt has a value of 29.7. Reasons why the debt values are different. The value is the outstanding amount rolled up to maturity at 8%, adjusted to allow for defaults, and discounted back at 2%. So the values differ because the debt has a chance of default and has a higher interest rate than the risk-free rate. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलता है कि ये जो आया है मेरा ये कैसे आया है. बोलता है आपका जो डेट का जो वैल्यू था वो था 20, बट यहां पर तो आपका वैल्यू आ रहा है 29 पॉइंट समथिंग, राइट. तो बोलने का मतलब क्या है, एक तो इसमें डिफॉल्ट का हमने वो किया है जिसमें कम है, जो ये वाला जो है इसमें डिफॉल्ट का है. बोलता है द वैल्यू इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट रोल्ड अप टू मैच्योरिटी एट 8%, एडजस्टेड टू अलाउ फॉर डिफॉल्ट एंड डिस्काउंटेड बैक एट 2%. ठीक है. सो बेसिकली डिफॉल्ट वगैरह के लिए एडजस्ट करने के बाद में, ठीक है, देखो जैसे 20 को पहले मैंने अक्यूमुलेट किया, यहां पर देखो 20 को पहले मैंने अक्यूमुलेट कर दिया तो ये आ रहा है. फिर इसमें मैंने किया होगा डिफॉल्ट्स का एडजस्टमेंट. सो डिफॉल्ट्स का एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर जब डिफॉल्ट का एडजस्टमेंट इसमें कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिस्क फ्री. तो 2% पे इसको पुल बैक करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 29 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है. ठीक है. सो द वैल्यूज डिफर बिकॉज द डेट हैज अ चांस ऑफ डिफॉल्ट एंड हैज अ हायर इंटरेस्ट रेट देन द रिस्क फ्री रेट. ठीक है. उसके बाद में बेसिकली एन एनालिस्ट विशेज टू सेट अप अ 2-state क्रेडिट मॉडल फॉर द कंपनी. द 2 states विल बी डिनोटेड सॉल्वेंट एंड डिफॉल्ट विद अ कांस्टेंट ट्रांजिशन इंटेंसिटी लैम्डा. तो क्या बोल रहा है, एन एनालिस्ट विशेज टू सेट अप अ 2-state क्रेडिट मॉडल फॉर द कंपनी. द 2 states विल बी डिनोटेड सॉल्वेंट एंड डिफॉल्ट विद अ कांस्टेंट ट्रांजिशन इंटेंसिटी लैम्डा फ्रॉम सॉल्वेंट टू डिफॉल्ट. ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट गिव्स द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट मैच्योरिटी ऑफ द डेट एज कैलकुलेटेड इन पार्ट 3. ठीक है. तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 2-state मॉडल जो होता है, 2-state मॉडल जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बिटवीन टाइम 0 to t विल बी गिवन बाय 1 - exponential - 0 से t लैम्डा एस ds. ठीक है. व्हेन द ट्रांजिशन इंटेंसिटी लैम्डा एस इज इक्वल टू लैम्डा. ठीक है. सो अगर ट्रांजिशन इंटेंसिटी मेरा कांस्टेंट है, ट्रांजिशन इंटेंसिटी मेरा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 1 - e⁻⁻ λt. ठीक है. सो नॉट डिफॉल्टिंग, ये तो तेरा डिफॉल्ट का हो गया. सो नॉट डिफॉल्टिंग ये तेरा हो गया डिफॉल्ट का. सो नॉट डिफॉल्टिंग विल बी e⁻⁻ λt. ठीक है. सो e⁻⁻⁷ लैम्डा इंटू 7 इज नॉट डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी अपने निकाले थे विच इज 5d2 0.8160. ठीक है. अब यहां से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे, तो यहां से जब हम लोग लैम्डा निकालेंगे तो अपना आएगा 0.0291. ठीक है. तो यहां से अपन लैम्डा निकाल लेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? ठीक है. आई होप सो ये क्लियर होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. सो 8 हो गया, 7 हो गया. नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर अ शेयर विथ अ प्राइस S0, the share will pay out a dividend X at time 1 and at time 2. Risk-free rate is R. Assume that the dividend payments are reinvested in the risk-free rate. Demonstrate that the fair price of a forward contract on ST maturing at time T greater than 2 is maturing at time T greater than 2 is K, where I is the present value of the two dividends. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. फिर उसके बाद में हम लोग को वही सब डेटा के साथ करने बोलेगा. लॉन्ग पोजीशन है, फिर इम्प्लीकेशंस बताने बोल रहा है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगेन ये फॉरवर्ड पे है, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स के ऊपर में ये क्वेश्चन है. सो ट्राई करिए इसको एक बार. सो पहले बोला है डिमॉन्स्ट्रेट. सो एक पोर्टफोलियो मैं बनाऊंगा, मैं एक पोर्टफोलियो तो बनाऊंगा जिसमें मैं 1F प्लस कर रहा हूं, ठीक है, एंड KE⁻RT इज द कैश, ठीक है. एट टाइम T पोर्टफोलियो 1 विल बी वर्थ. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ST - K + K, है ना. सो दिस विल बी ST. एंड दूसरा पोर्टफोलियो में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूं, 1S + and -I, मतलब लोन रख रहा हूं, और I क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू डिविडेंड्स, ठीक है. सब होगा क्या, ST से डिविडेंड्स छोड़ेगा. सो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स है उसको अक्यूमुलेट करेंगे, IE⁻RT, है ना. और यहां पर क्या होगा, -IE⁻RT. सो अल्टीमेटली यहां पर भी क्या आ जाएगा, ST, ठीक है. सो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, इसमें हुआ क्या है, मैंने दो पोर्टफोलियो बनाया, मैंने दो पोर्टफोलियो बनाया, मैंने दो पोर्टफोलियो बनाया. एक में मैंने रखा एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू, रखा है मैंने, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, दैट इज KE⁻RT, इतना मैंने कैश रखा है. सो मैच्योरिटी पे क्या होगा, F क्या करेगा, ST - K, बिकॉज लॉन्ग है, और ये मेरा अक्यूमुलेट होके K हो जाएगा, तो ST बच रहा है. दूसरे वाले में मैंने क्या किया, दिस इज पोर्टफोलियो A एंड दिस इज पोर्टफोलियो B. यहां पर मैंने एक शेयर रखा एंड लोन रखा, लोन रखा है मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू डिविडेंड्स का. सो बेसिकली ये अक्यूमुलेट होगा E⁻RT, और ये जो लोन है ये भी जाएगा. और देखो ST से डिविडेंड्स आएगा. बेसिकली ये प्लस वाला कहां से आ रहा है, बिकॉज ST डिविडेंड देगा, राइट. सो जो डिविडेंड देगा उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा, IE⁻RT, करेक्ट है, क्योंकि शेयर से दो डिविडेंड मिल रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू आई है, तो उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, IE⁻RT. और ये लोन पे भी मेरा ब्याज चढ़ेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ST बचेगा. लॉ ऑफ वन प्राइस क्या बोलेगा, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू सेम है, राइट. सो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू में क्या आएगा, लॉ ऑफ वन प्राइस के हिसाब से जाएंगे. सो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू में क्या आएगा बताओ, लॉ ऑफ वन प्राइस के हिसाब से जाएंगे. सो यहां पर आएगा KE⁻RT. KE⁻RT इज वॉट, S0 - I, राइट. सो यहां से मेरा K क्या आ जाएगा, S0 - IE⁻RT, ठीक है. अब इसी को हम लोग को डाल देना है, सेकेंड वाले पार्ट में इसी को हम लोग को डाल देना है. हम लोग को बोल दिया है शेयर इज वर्थ 100, इट विल पे अ डिविडेंड ऑफ 5 एट टाइम 1 एंड अगेन एट टाइम 2. Continuously compounded risk free rate is 5% per unit of time. Calculate the fair price of the forward contract on the share maturing at time 3. So time 3 के लिए निकालना है. So 5-5 रुपए का दो डिविडेंड मिल रहा है, 5-5 रुपए का दो डिविडेंड मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं I कैलकुलेट करूंगा. 5E⁻−0.05 into 1 plus 5E⁻−0.05 into e टू दावर माइनस 0.05 इंटू 2, ठीक है. सो दिस विल बिकम 9.28. फिर उसके बाद में मेरे को निकालने बोल रहा है k, सो विच इज S0 मतलब 100 माइनस 9.28, ठीक है. S0 माइनस आई ई टू दावर 0.05 इंटू 3, ठीक है. सो यहां से हमारा आ जाएगा. फिर इसके बाद में मेरे को बोल रहा है कि एन इन्वेस्टर टेक्स ए लॉन्ग पोजिशन इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन पार्ट 2 एट टाइम 0. इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द प्रपोज डिविडेंड्स ऑन द अंडरलाइंग शेयर आर कैंसल्ड. तो अगर डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? इन आइसोलेशन द न्यू फॉरवर्ड प्राइस विल बी हायर विदाउट एनी डिविडेंड्स, बट द इन्वेस्टर इज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय द शेयर फॉर द ओल्ड लोअर फॉरवर्ड प्राइस. So the investor's long position in the forward contract will now have a positive value. The investor might also consider why the dividends have been cancelled. If the share price has also moved because of the announcement, then this will also change the value of the investor's position. अब एक चीज समझना, दो टाइप का प्राइसिंग हो रहा है, एक यहां पर हो रहा है राइट, और एक होता है S0 e to the power RT. ये लोग क्या बोल रहा है कि ये जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड है हम लोग इस पे किए कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो बोलता है ये जो डिविडेंड है अब ये नहीं जाएगा. तो अगर ये नहीं जाएगा ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों में हायर क्या होगा? 2 हायर होगा. तो बोलता है अगर ये नहीं जाएगा तो दाम बढ़ना चाहिए. सो दाम बढ़ना चाहिए, हमने तो इस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट दाम अब निकल के यहां से यहां हो जाएगा तो बढ़ेगा, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा, लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को फायदा होगा, राइट. मेरे को फायदा होगा, बट मेरे को फायदा तो होगा, बट अब ये लोग क्या बोलता है? बोलता है डिविडेंड क्यों कैंसिल हुआ, ये भी तो देखो, क्या मैनेजमेंट कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है, क्या कंपनी बंद होने वाली है, क्या कंपनी को घाटा लग गया है. तो उसका भी मार्केट सेंटीमेंट में बहुत इंपैक्ट आता है. आज मान लो मैं बोलता हूं कि मैं 2 पेपर और आप लोग को कराऊंगा, बोल के अगर मैं अपने बात से मुकर जाता हूं तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो सोचिए, कंपनी ने दावा किया था कि कंपनी डिविडेंड देगी, बट अब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है. तो सोचिए. सो दिस इज डन, वेरी गुड क्वेश्चन. सो वी हैव डन 6, 7 and 8. नाउ क्वेश्चन 5, लेट मी जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन वंस कि ये है कि नहीं सिलेबस में. क्वेश्चन 5 नहीं है यार, सो डोंट वरी, ठीक है. 1 भी नहीं है मोस्टली, या 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2, 3 and 4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 3. सो 3 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट इंटरप्रेटिंग क्वेश्चन नंबर 3. इट्स अ गुड क्वेश्चन. Consider the share ST and a derivative on the share with a value at time t of FTST. Okay. Define in your own words what is represented by each of the following Greeks. ये मैंने पहले भी करा चुका है. Consider another share AT which pays no dividends. The continuously compounded risk-free rate K be the fair price at time 0 of a forward contract. State the formula for K. Under the risk, अभी state बोला है ना, तो अभी proving नहीं करेंगे, portfolio वाला से proving नहीं करेंगे. Under the risk neutral measure Q, the share is expected to grow at the risk-free rate. ठीक है. Demonstrate that the expected present value of the forward contract at time t under the measure Q is this. Calculate delta, gamma and vega. Differentiate करके निकालेंगे. Comment on how the Greeks for the forward contract in part 4 compare to the same Greeks for the underlying share. Discuss whether it would be appropriate to use a forward contract to delta hedge a European call option on the share. ठीक है. So it's a very good question. तो सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करने बोला है, ठीक है, वो तो हो जाएगा. फॉरवर्ड प्राइस स्टेट करने बोला है. सो इट इज K इज वॉट, A0 e to the power RT, ठीक है. एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो Q में क्या होगा? अपना जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? e टू द पावर माइनस r, t माइनस t, eq, AT माइनस के गिवन FT, AT माइनस के मेरा क्या है पे ऑफ फंक्शन, ये मेरा पे ऑफ हो गया एक्सपायरी पे, ठीक है, ये मेरा पे ऑफ हो गया एक्सपायरी पे. AT इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रिस्क फ्री रेट, ठीक है ना. सो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस आर टी माइनस टी स्मॉल ए टी, स्मॉल ए टी ई टू द पावर आर टी माइनस टी माइनस के, माइनस के. क्योंकि समझा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए टी ई टू द पावर आर टी माइनस टी इज ए टी. क्योंकि क्यू में क्या होगा, क्यू इज व्हाट, रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड, माने रिस्की, रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में क्या होता है, रिस्की एसेट्स ऑल्सो ग्रो एट रिस्क फ्री रेट, ठीक है. तो यहां तक तो एकदम कंफर्टेबल था. तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, मेरा प्रेजेंट वैल्यू, मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ए टी माइनस के ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी, ठीक है. सो ग्रीक्स अब मेरे को निकालना है, तो डेल डेल एस टी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सो ये मेरे को क्या देगा, डेल्टा. सो बेसिकली एस टी नहीं है यहां पर, तो कंफ्यूज मत होना, एस टी नहीं है यहां पर. सो इट इज डेल डेल ए टी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. सो ए टी तो वन हो जाएगा, सो इट्स वन. ओके, अगेन मेरे को निकालना है गामा. सो डेल डेल ए टी ऑफ डेल्टा विच इज जीरो, ओके, एंड वेगा निकालना है एक मेरे को. सो इट इज डेल डेल सिग्मा ऑफ ए टी माइनस के ई टू द पावर माइनस आर टी माइनस टी. सो ये जीरो होगा क्योंकि शेयर का अपना कोई वोलेटिलिटी नहीं होता, ठीक है, तो ये जीरो होगा. सो बेसिकली ये याद रखना, डेल एस टी डेल सिग्मा इज जीरो, डेल एस टी डेल सिग्मा इज जीरो, ठीक है ना. कंपेयरिंग द ग्रीक्स फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरलाइंग शेयर, ठीक है. अब ग्रीक्स निकालो अंडरलाइंग शेयर का. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल डेल ए टी ऑफ ए टी, खाली शेयर का निकाल रहे हैं. सो डेल डेल ए टी ऑफ ए टी, सो दिस इज वन. इसके बाद में डेल डेल ए टी ऑफ डेल्टा, इट इज जीरो, एंड डेल ए टी डेल सिग्मा इज जीरो. These are clearly the same as those of the forward contract in part 3. This is because the forward is effectively the same as owning the share if it pays no dividends. माने forward और share में कोई फर्क नहीं है if there are no dividends, ठीक है ना. फिर बोलता है delta hedging a European call with a forward contract, ठीक है. In theory, a forward contract could be used to delta hedge a European call by shorting a number of forwards, by shorting a number of forwards equal to the delta of the call, ठीक है. So basically call का जो delta है उतना forwards आप short कर दो. However, there would be no control of the gamma of the hedge over time because over time delta change होगा. This would make it likely that regular rebalancing is required as the delta of the call would be changing regularly, ठीक है. Delta of the call would be changing regularly, but the delta of the hedging forwards would not change with them because यहाँ पर देखो मेरे को क्या पता चला कि मेरा जो गामा है वो जीरो है, ठीक है. तो कॉल का तो ऊपर नीचे होगा बट फॉरवर्ड जो है, बेसिकली जो फॉरवर्ड है उसका कांस्टेंट रहेगा विच इज जीरो. आई सॉरी, गामा इज जीरो, सो डेल्टा चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो वही बोला है, बट द डेल्टा ऑफ द हेजिंग फॉरवर्ड्स वुड नॉट चेंज विद देम. दिस कुड बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. द हेज would also have no control of the vega over time बिकॉज यहां पर मेरा वेगा 0 आ रहा है बट ऑप्शन का वेगा होगा, ऑप्शन का वेगा होगा, करेक्ट है, तो ऑप्शन का वेगा होगा, ठीक है. दिस वुड मीन दैट द हेजर वुड बी मोर एक्सपोज टू चेंजेस इन द वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट. तो क्या बोल रहा है हेजर, क्या बोल रहा है हेजर, ध्यान से सुनो क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो. बोलता है हाँ, तो क्या बोल रहा है, दिस वुड मीन दैट द हेजर वुड बी मोर एक्सपोज टू चेंजेस इन दी वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट. तो ध्यान से सुनना यहां पर क्या बोला हम लोग को, बोलता है कि जो फॉरवर्ड है उसका गामा में कोई चेंज नहीं है और वोलेटिलिटी, लेकिन कॉल ऑप्शन जो है उसका डेल्टा भी चेंज होगा एंड उसका वोलेटिलिटी भी चेंज होगा, ठीक है ना, बेसिकली जो वेगा जो है, ठीक है. तो इसीलिए बेसिकली वही लिखा है इन्होंने कि दिस कुड बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, द हेज वुड ऑल्सो हैव नो कंट्रोल ऑफ द वेगा ओवर टाइम, दिस वुड मीन दैट द हेजर वुड बी मोर एक्सपोज टू चेंजेस इन द वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट, ठीक है ना. सो आई होप सो ये सबको क्लियर है, आई होप सो ये सबको क्लियर है, ठीक है. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक हम लोग को बीएफ मेथड से रूइन रन ऑफ का सम करने बोला है, ठीक है. सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं. सब लोग ट्राई करना चालू करो, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले देखो हम लोग को क्या बोल रहा है इसमें. सो बीएफ मेथड अगेन इज वेरी सिंपल, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में लॉस रेशियो बोलता है क्या है, द रन ऑफ ट्राइंगल क्यूमुलेटिव अपने को दे दिया है, एनुअल प्रीमियम्स रिटन फॉर एक्सीडेंट ईयर 2019 वाज इतना and the ultimate loss ratio is assumed to be 92.5%. Claims can be assumed to be fully run off by the end of development year 2. Calculate the total claims arising from accidents in 2019 using the BF method. ठीक है, 1 year later an unexpected event has resulted in higher claims than expected. ठीक है, calculate the revised total claims for BF method. Implications बोलने बोला है, ठीक है. So this is very 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 simple. ठीक है, so आइए हम लोग इसको चालू करते हैं. लॉस रेशियो क्या है, बेसिकली लॉस रेशियो इज व्हाट इनकर्ड क्लेम्स, इनकर्ड क्लेम्स होल डिवाइड बाय अर्नड प्रीमियम, अर्नड प्रीमियम, ठीक है, ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. सो अपने को क्या बोला है कि एनुअल प्रीमियम्स रिटर्न फॉर एक्सीडेंट ईयर 2019 वेयर 1520 अल्टीमेट लॉस इज इतना. सो अपने को इनिशियल एस्टिमेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले. सो इनिशियल एस्टिमेट विल बी 92.5% ऑफ जो मेरा अर्न्ड प्रीमियम है विच इज 1520, ठीक है. ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 1406. इसके बाद में अपने निकालेंगे डेवलपमेंट फैक्टर 12, ठीक है, और अपने निकालेंगे डेवलपमेंट फैक्टर 01, ठीक है. डेवलपमेंट फैक्टर 12 कैसे निकलेगा, 1072 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड बाय 1011, है ना. उसके बाद में 01 कैसे निकलेगा, 1011 प्लस 1011 प्लस 915 होल डिवाइडेड बाय 864 प्लस 798, ठीक है. सो ये देख लेना डेवलपमेंट फैक्टर 01, ठीक है, डेवलपमेंट फैक्टर 01. तो ये अपना निकल जाएगा, ये अपना निकल जाएगा. फिर अपने क्या करते थे याद आ रहा है, 1406 डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट फैक्टर 01 इंटू डेवलपमेंट फैक्टर 12. तो इसको सॉल्व कर लो एक बार. तो ये कितना आ रहा है 11. अब जैसे देखो इसका मतलब क्या, मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं ध्यान से सुनना, with an initial estimate of ultimate loss. With an initial estimate of ultimate loss of 1406, we would expect the claims paid in 2019, development year 0. माने basically claims paid in 2019, development year 0. So basically अपने को दिया हुआ तो है 820, बट एक बार अपने निकाल रहे हैं डिवाइड करके. सो ये अपना आएगा 1144.24. अब इन दोनों को माइनस करके अपने निकालेंगे एमर्जिंग लाइबिलिटी. सो एमर्जिंग लाइबिलिटी दोनों को माइनस करके निकालेंगे. सो दोनों को माइनस करने से अपना एमर्जिंग लाइबिलिटी आ जाएगा विच इज 261.76. ठीक है ना, अपने एमर्जिंग लाइबिलिटी निकाल लेंगे विच इज 261.76. सो इसके बाद में टोटल बेसिकली टोटल क्लेम्स कितना आएगा अपना, इट विल बी 820 जो अपने को दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस एमर्जिंग लाइबिलिटी विच इज 261.76. ठीक है ना, ये बहुत सिंपल था, ये बहुत सिंपल था. अब देखो अपने को रिवाइज टेबल दिया हुआ है एंड दोबारा से बेसिकली अपने को सेम ही चीज करना है. ठीक है, देखो इसके बाद कैसे करेंगे अपन. अब जैसे अपने को क्या बोल दिया है, डेवलपमेंट फैक्टर दोबारा से निकालेंगे. सो डेवलपमेंट फैक्टर 1 2, और इसमें स्टार लगा देता हूं. सो डेवलपमेंट फैक्टर 1 2 विल बी 1320 होल डिवाइडेड बाय 915. फिर उसके बाद में अब जैसे देखो 2019 मिडिल में आ गया है, 2019 मिडिल में आ गया है, तो अपने क्या करेंगे, अपने इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अल्टीमेट लॉस, अपना कितना आया था 1406, राइट. सो अभी अपने क्या करेंगे, जैसे ये अपना आ रहा है 1.4426. सो अपने क्या करेंगे 1406 होल डिवाइड बाय डेवलपमेंट फैक्टर स्टार 1,2. तो ये अपना आ जाएगा 1406 डिवाइडेड बाय 1.4426. ठीक है ना. सो बेसिकली ये अपना आएगा 974.61. दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए. सो 1406 माइनस 974.61 कितना आता है बताइए, 431.39. और अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 1412, राइट. सो अब अपने क्या करेंगे, 1412 प्लस बेसिकली एमर्जिंग लाइबिलिटीज अपने निकाल ली. दिस इज अवर एमर्जिंग लाइबिलिटी. ठीक है, रिवाइज टोटल क्लेम्स फॉर एक्सीडेंट ईयर 2019. सो 1412 प्लस 431 पॉइंट जो भी आ रहा है. सो अपना फाइनल कितना आएगा 1843 पॉइंट समथिंग आएगा अपना फाइनल. देख लीजिए. ठीक है, फिर अपने को बोला है इम्प्लीकेशंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. सो इम्प्लीकेशंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी में क्या आएगा, प्रोजेक्टेड टोटल क्लेम्स फॉर 2019 नाउ एक्सीड द प्रीमियम्स कलेक्टेड. सो टोटल क्लेम्स एक्सीड, क्या बोला ध्यान देना, बोलता है टोटल क्लेम्स एक्सीड प्रीमियम. ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन अ लॉस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. इट माइट मेक अ लॉस ऑन पॉलिसीज रिटन इन 2018 एंड 2020 एज वेल. उसका इंप्लीकेशन एक साल पीछे एक साल आगे भी हो सकता है. एंड पॉसिबली एन अर्लियर एक्सीडेंट ईयर्स दैट इट थॉट वेयर रन ऑफ. इट माइट नीड टू रिवाइज इट्स प्रीमियम्स. तो प्रीमियम में रिविजन चाहिए होगा. एंड और रिवाइज दी एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो. सो लॉस रेशियो को रिवाइज करना पड़ेगा, प्रीमियम्स को रिवाइज करना पड़ेगा, राइट. सो दिस चैलेंजेस ऑल ऑफ द अंडरलाइंग एजम्पशंस ऑफ द मॉडल. ये क्या करता है, जो मॉडल है उसका सारा एजम्पशंस को चैलेंज करेगा. नीड टू टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट एज वेल. ठीक है, मेरे को इन्फ्लेशन को भी टेक केयर ऑफ करना पड़ेगा. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर एंड देन दिस विल बी डन. इसके बाद में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर बचेगा और वो हम लोग कर लेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए. सपोज दैट अंडर द यूनिक इक्विवेलेंट मार्टिंगेल मेजर Q for a term structure model, the stochastic differential equation satisfied by the instantaneous interest rate R. So instantaneous interest rate R DRT. DRT is alpha mu minus RT DT, mu minus RT DT plus sigma DZT, plus sigma DZT. Alpha greater than 0, mu and sigma are fixed parameters and under Q, Z is a standard Brownian motion. Z जो है मेरा क्या है? स्टैंडर्ड ब्राउनियन. Z जो है मेरा क्या है? स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन. ठीक है. द प्रोसेस X इज डिफाइंड बाय, मेरे को X दे दिया है. सो XT इज RT B T माइनस T, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to T RS DS, ठीक है, वेयर द फंक्शन B इज गिवन बाय BS. बेसिकली ये फंक्शन है पूरा, ठीक है. BS इज इक्वल टू 1 minus e to the power minus alpha S whole divided by alpha. The function F is given by, the function F is given by, so F X T is equal to exponential A T minus X, where A is a differentiable function. Apply Ito's formula to FTXT. You may use without proof the fact that DXT is AT DT BT DZT, where AT is alpha mu. Okay, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है. So basically हम लोग को क्या बोला है? DXT is what? AT DT plus BT DZT. अब हम लोग को AT भी दे दिया है. So AT मेरा क्या है? अल्फा म्यू BT माइनस T, है ना. एंड हम लोग का जो BT है, BT इज सिग्मा BT माइनस T, ठीक है. फाइंड अ डिफरेंशियल, फाइंड अ, क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट द फंक्शन A मस्ट सेटिस्फाई इन ऑर्डर फॉर FTXT टू बी अ मार्टिंगेल. डिटरमाइन एन एडिशनल कंडीशन ऑन A दैट इज नेसेसरी फॉर अ बॉन्ड with unit payoff at time t to have a price given by the formula. So price given by the formula BTT is equal to F XT, T exponential integration 0 से T RS DS, ठीक है, ठीक है. इसको रीड करिए अच्छे से. अब बताइए कैसे कर सकते हैं इसको. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसको रीड करिए एकदम अच्छे से. बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है. अब जैसे देखो आईटीओस लेमा लगाने बोला है. सो डीएक्स इज व्हाट? AXT DT प्लस BXT DZ. ये टेबल बुक का पेज नंबर 46 में दिया हुआ है. सो यहां पर मेरा x क्या है? XT. Z क्या है? ZT. AXT क्या है? AT. एंड BXT क्या है? BT. ठीक है. अब हम लोग को फंक्शन भी दे दिया है. FXT अपने को दे दिया है. FXT अपने को क्या दिया है? एक्सपोनेंशियल A T माइनस T माइनस एक्स, ठीक है। अब एक एक करके करो, डेल डेल एक्स ऑफ एफ एक्स टी, सो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे सो क्या आएगा, ये पूरा चीज तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। फिर इसके अंदर में करेंगे तो माइनस वन, मतलब माइनस दिस आएगा, ठीक है। फिर इसका सेकेंड ऑर्डर करेंगे, फिर इसका सेकेंड ऑर्डर करेंगे, सो डेल टू एफ एक्स टी डेल एक्स टू, तो सेकेंड ऑर्डर में अगेन सेम ही चीज होगा, माइनस प्लस बन जाएगा एफ एक्स टी, ठीक है। फिर इसके बाद में टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो डेल डेल टी एफ एक्स टी, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो फंक्शन है वो तो रहेगा ही, बेसिकली एफ एक्स टी तो रहेगा ही, है ना। जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, एक्स हट जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा, अंदर का चेन रूल से करेंगे तो, सो दिस विल बी। अच्छा, और एक चीज है कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एक t वाला भी माइनस दोबारा से आएगा, मैंने दो बार लगेगा चेन रूल इसमें। सो कैसे होगा, माइनस, एंड दिस विल बी a डैश t माइनस t, जब करेंगे ना फिर इनटू माइनस वन भी होगा, क्योंकि ये t माइनस t का भी तो करेंगे ना, तो इसलिए इनटू माइनस वन भी होगा, ठीक है। एंड एक डिफाइन कर दे रहे हैं, a डैश t माइनस t इज डेल डेल t ऑफ a t माइनस t, ठीक है। अब इन सबको डाल दो और एक बना लो dt का और एक बना लो dzt का, तो मैं उतना पूरा नहीं कर रहा हूं बट मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं कि df xt ये मेरा क्या आएगा ये मैं दिखा देता हूं एक बार। सो दिस विल बी माइनस at एफ एक्स टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर एफ एक्स टी माइनस a डैश t माइनस t माइनस a डैश t माइनस t एफ एक्स टी दिस होल थिंग इंटू डी टी, ये मेरा फाइनल आएगा। और माइनस में आएगा बी टी एफ एक्स टी डी जेड टी, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने से और अब क्या आएगा, एक एफ एक्स टी भी बाहर आ जाएगा। सो एफ एक्स टी इज वॉट, माइनस ए टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर माइनस ए डैश टी माइनस टी होल थिंग इंटू डी टी माइनस बी टी एफ एक्स टी डी जेड टी, ठीक है। अब हम लोग को ए टी का वैल्यू पता है, ए टी का वैल्यू है अल्फा म्यू बी टी माइनस टी, एंड बी टी का भी वैल्यू पता है विच इज सिग्मा बी टी माइनस टी। इसको डाल देंगे इसमें, तो मेरा डी एफ एक्स टी क्या बन जाएगा, डाल दो बड़ा होता होने दो। सो एफ एक्स टी माइनस एल्फा म्यू बी टी माइनस टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर बी स्क्वायर टी माइनस टी माइनस ए डैश टी माइनस टी होल थिंग इंटू डी टी माइनस सिग्मा बी टी माइनस टी एफ एक्सजेड डी जेड टी। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये भी डालेंगे। सो दिस इज बेसिकली बी एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एल्फा एस बाय एल्फा। अब डाल दो पूरा डाल दो और देखो कि क्या आ रहा है। सो फाइनल एक बनाएंगे डी एफ एक्स टी। सो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स टी ब्रैकेट ओपन माइनस म्यू वन माइनस ई टू द पावर माइनस एल्फा टी माइनस टी प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय टू अल्फा स्क्वायर वन माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी माइनस टी का स्क्वायर माइनस ए डैश टी माइनस टी होल थिंग इंटू डी टी। फिर आएगा एक माइनस में सिग्मा बाय अल्फा वन माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी माइनस टी एफ xz dzt। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हम लोग का पूरा आईटीओज लेमा का जो कॉन्सेप्ट है और टर्म स्ट्रक्चर ये सब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा रिवाइज हो गया। सो मार्टिंगेल कंडीशन के लिए क्या बोलता है, मार्टिंगेल कंडीशन हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट द फंक्शन ए मस्ट सैटिस्फाई इन ऑर्डर फॉर द एफटीएक्सटी टू बी अ मार्टिंगेल। सो देखो मार्टिंगेल के लिए क्या करना है, ये वाला जो डीटी वाला जो पूरा टर्म है ये जीरो होगा। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टी एक्स टी टू बी अ मार्टिंगेल इज दैट द प्रोसेस मस्ट हैव अ जीरो ड्रिफ्ट टर्म इन द स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स इट्स बिहेवियर, देयरफॉर द डीटी कोएफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन मस्ट इक्वल जीरो। मतलब बेसिकली मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहीं से दिखा देता हूं कि क्या जीरो होना पड़ेगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, माने यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि डीटी वाला जो टर्म है वो जीरो होगा तो ही क्या होगा, एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्रोसेस इज जीरो, तब वो बनेगा मार्टिंगेल। और जब ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, जब ये जीरो होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, रिस्क फ्री। ठीक है, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ओके। इसके बाद में अपने को क्या बोलता है, बॉन्ड प्राइस फॉर्मूला के बारे में बोलता है। बोलता है डिटरमाइन एन एडिशनल कंडीशन ऑन ए दैट इज नेसेसरी फॉर अ बॉन्ड विद यूनिट पे ऑफ एट टाइम टी टू हैव अ प्राइस गिवन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, द ओनली टाइम वी नो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद सर्टेनिटी इज व्हेन इट मैच्योर्स एट टाइम टी। देयरफॉर इन ऑर्डर फॉर द बॉन्ड प्राइसिंग फॉर्मूला टू बी करेक्ट एट मैच्योरिटी वी रिक्वायर द बाउंड्री कंडीशन। सो बेसिकली बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या बोलता है, BTT should be equal to 1, है ना। सो एफ एक्सटी कॉमा टी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 से टी आर एस डी एस शुड बी इक्वल टू 1, जो मैच्योरिटी का जो है. ठीक है, एफ एक्स टी कॉमा टी. सो एफ एक्स टी कॉमा टी इज एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी आर एस डी एस, और एफ एक्स टी टी बेसिकली देखो ये एफ एक्स टी टी क्या है. फंक्शन एफ के बारे में बोला है, ठीक है. सो एफ अपने को देखो दे दिया है, ये तो अपना हो ही गया, ठीक है. ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझा. ये वाला जो ये यहां पर देखो कोई साइन नहीं था, ये वाला जो माइनस आया ना ये उधर लेके गए हम लोग उसको, ठीक है. अब एक्सपोनेंशियल ए टी माइनस टी माइनस एक्स टी इज वॉट एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी आर एस डी एस. सो ए 0 इज इक्वल टू एक्स टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी आर एस डी एस, ठीक है. सो ए 0 क्या है, एक्स टी. मतलब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल हट गया लॉग ले लेने से. सो ए 0 माइनस एक्स टी इज दैट, सो एक्स टी माइनस दैट. अब और देखो हम लोग को दिया हुआ है XT का डेफिनेशन भी दिया हुआ है. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, दिस इज इक्वल टू RT BT माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से T RSDS माइनस इंटीग्रेशन 0 से T RSDS. सो क्या आ रहा है अल्टीमेटली RT B0 आरटी बी 0 आ रहा है, और B0 जो है वो क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 0 बाय अल्फा. सो दिस इज 1 माइनस 1 बाय अल्फा विच इज 0. एडिशनल कंडीशन ऑफ द फंक्शन इज दैट A0 should be 0. A0 अगर 0 है तो ही ये चीज हो पाएगा, ठीक है. सो दैट्स इट. एंड इसके बाद में वी आर गोइंग टू डू, आज ही मैं करवा दूंगा तो आज आपको सारा वीडियोस अवेलेबल हो जाएगा. सो अप्रैल 21 करूंगा एंड देन सितंबर 21 करूंगा, ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.